ऐसा चिकन बनाने के लिए देखें इस प्रकार है। तो आज बनाने जा रहे हैं हम लोग चिकन, वो भी एक नए तरीके से। इसके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया है, प्याज, टमाटर, अदरक और मिर्च बस, और धनिया पत्ता बाद में हम लोग ऐड करेंगे। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन। मैंने 250 ग्राम ले लिया है क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ, तो क्या कर सकते। उसके लिए हमें चाहिए सामग्री इस प्रकार है। ले लेंगे 3 प्याज, मैंने कट कर लिया है, इस प्रकार से कट करेंगे, इस प्रकार से। टमाटर कुछ इसी प्रकार से, मिर्च और अदरक और धनिया है वो बाद में हम लोग कट कट के डालेंगे। अब चलते हैं हम लोग बनाने। और मसालों के लिए हम लोग लेंगे हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, एवरेस्ट का चिकन मसाला और सरसों का तेल बस डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें प्याज डालेंगे, प्याज भुनने रखा था सारा डालेंगे। दो मिनट ढक देंगे कि जल्दी सब दो मिनट बाद देखेंगे क्या। अब पक चुका है ये, इसमें टमाटर जो भी है हमारे पास वो डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, चला दिया है, अब दिख रहा है थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए सब पकने को वेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं टमाटर ने पानी गर्म छोड़ दिया है। अब अपने मसाले ऐड मिक्स करेंगे इसमें। मिक्स करके पानी डाल देंगे और ऐसे ऐसे रख देंगे। 15 मिनट बाद चेक करेंगे।
हो चुके हैं, 15 मिनट हो चुके हैं, आप चेक करेंगे। देखिए हो गया है, गैस को ऑफ कर देंगे, ये देख सकते हैं पक गया। इस पे अब धनिया डाल देंगे।